Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में तो आज हम आपको ज्यादा इलेक्शन की खबर देंगे, क्योंकि आज का दिन भर रहा रिजल्ट डे कई सारे पार्टीज का। तो आपको शुरुआत करते हैं हम नेशनल न्यूज में। हम आपको सीधे पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं, जहां पर कांग्रेस की हुई हार, बीजेपी ने 3 अलग अलग स्टेट्स में जीत हासिल की है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दो ऐसे गढ़ थे जहां पर कांग्रेस जीती हुई थी, उन्हें हराकर अब बीजेपी का कमल खिल गया है। और तेलंगाना में जहां पर केसीआर पार्टी स्ट्रांग थी, वहां पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। आइए मिलते हैं एक ऐसे कैंडिडेट जो बीजेपी के फर्स्ट टाइमर हैं, लेकिन उन्होंने सीएम केसीआर और कांग्रेस चीफ रेवन्नाथ को हराया कामारेड्डी में। अच्छी बात यह रही है कि सीएम केसीआर और कांग्रेस के चीफ रेवन्नाथ ने अपनी एक और सीट भी वहां पर रखी, जहां से वो जीत के आ गए हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इलेक्शन की न्यूज में एक और खबर, जहां पर राजस्थान के रिजल्ट की हम बात करें, अशोक गहलोत रिजाइन कर दिए हैं एज चीफ मिनिस्टर उनकी हार के बाद। लेकिन मामला कटाकट रहा, बहुत ही टक्कर का काम रहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का। तेलंगाना इलेक्शंस पर हमारी नजर डालते हैं, जहां पर हमारी टीम कंटिन्यूसली काम करती आ रही थी। और आपको बता दें, MIM ने अपनी पकड़ बनाए रखी है हैदराबाद में। अकबरुद्दीन अवेसी जीते हैं चंद्रायन गुट्टा से, कौसर मोहिद्दीन कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी, मिर्जुल फिखार अली चारमीनार से, जाफर हुसैन मेराज बहुत टाइट फाइट रही याकूतपुरा में उनकी अमजदुल्ला खान MBT के साथ, अहमद बलाला जीते हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन ने फिरोज खान के साथ फाइट लड़ी और नामपली से वो जीते हैं, मोहम्मद मुबीन बहादुरपुरा से जीते हैं। वहीं बीजेपी की संख्या अभी बढ़ चुकी है अब तेलंगाना में, 1 राजा सिंह वहां पर थे, लेकिन अब 8 लोग जीत चुके हैं बीजेपी से। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। या आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के DGP अंजनी कुमार रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान, यानी कि जब वोट के जो है नंबर्स बढ़ते चढ़ते जा रहे थे, वोटिंग का जो रिजल्ट था चलते जा रहा था, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ था इस तरह से उन्हें ग्रेड करना, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है और इमिडिएटली रवि गुप्ता को न्यू DGP बनाया गया है तेलंगाना का। KTR ने अपनी हार को इस माना है और कहा कि तेलंगाना का बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म उन्हें सरकार बनाने दिए हैं। उन्होंने सैडेंड नहीं है, लेकिन आज के रिजल्ट से वो डिसअपॉइंट है और आने वाले दिनों में कांग्रेस को वो कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, तेलंगाना को वो सपोर्ट करने तैयार है। वहीं DK शिवकुमार पहुंचे रेवन्नाथ रेड्डी के पास और उन्होंने मिठाई भी खिलाई और कल होगी गवर्नमेंट और आज होगी गवर्नमेंट फॉर्मेशन तेलंगाना में। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उमरा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उमरा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। कर्नाटक की न्यूज की बात अगर हम करें तो BS येडियुरप्पा का बड़ा बयान आया आने वाले लोकसभा इलेक्शन में। कुल मिला के 28 सीट है, 28 MP सीट है कर्नाटक में और पूरे के पूरे जो है बीजेपी जीतेगी, इसका दावा कर रहे हैं। मोहम्मद असरुद्दीन भी काफी टफ फाइट दे रहे थे जुबली हिल से, लेकिन वहां पर जीत हो चुकी है मंगंती गोपीनाथ की, जो कि 80,000 वोट लिए हैं। 16,000 से मोहम्मद असरुद्दीन कांग्रेस की सीट से हार चुके हैं। असदुद्दीन नवीसी का बयान आया तेलंगाना स्टेट असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के बाद, उनका पहला रिएक्शन क्या है आइए सुनते हैं। सही है, तेलंगाना की आवाम ने एक फैसला लिया है और हमको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। यकीनन पिछले 10 साल में KCR की क़यादत में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, तरक्की हुई, हैदराबाद में एक उसका एक मुनफरद मुकाम पैदा हुआ। मगर चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। ITF कलबुर्गी ओपन आज टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल था, जहां पर रामनाथ ने जीत को हासिल किया है और उन्होंने इस फाइनल को जीतकर 25,000 US डॉलर
हासिल किए हैं एज प्राइज मनी। इस मौके प्रियंका खड़गे जी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट वर्क को चलते हुए 33 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए जाएंगे चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम के लिए डेवलपमेंट ऑफ फॉर स्पोर्ट्स के लिए। मैडम फौजा तरन्नुम जो कि DC हैं उनकी काविशें काफ़ी अच्छी रही, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इस मौके पर SP आदु श्रीवासलू जी, पुलिस कमिश्नर R चेतन जी और कई सारे डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद रहे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है रिलैक्स, डू नथिंग एट ऑल, टेक ए मोमेंट फॉर योरसेल्फ, एंजॉय द मोमेंट जस्ट बिकॉज यू डिजर्व इट। ये मेहनत करने के बाद ये बड़ा अच्छा लगता है कोर्ट के, रिलैक्स कुछ मत करें, अपने आप के लिए कुछ वक्त निकालें, इस वक्त को इस मोमेंट को जिए क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रेवल्स, हर जुमरा सर्विसेज नियर पाकिस्तान अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप दरगाह रोड गुलबेगा। टोमेटोज आप रोज खाते हैं, टोमेटो बीच में महंगे भी हो गए थे, टोमेटो खाने से फायदे क्या क्या हैं? देखिए, प्रिवेंट करता है कैंसर, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और साथ साथ विजन को भी इम्प्रूव करता है। बहुत अच्छे इसके इफेक्ट्स हैं। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन प्रीमियम हिल प्लॉट्स ऑन हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें, उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहसिन मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम प्रिंसेस अफू, लिखने साल में उज्ज्वल योजना गैस स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन करे सो फुल वीडियो बनाओ भाई, लिख रहे हैं। फुल वीडियो तो हमारा जितना है नहीं, उतना जितना न्यूज थी अपने डाल दी है। सैयद मोइन पटेल ने डेली बुलेटिन गुड न्यूज लिखा है। हबीब भाई लिख रहे हैं अन्ना के अब्बा ने खोल कर BJP को सपोर्ट करो, बोले ना आप हो गए जनाब, CM इब्राहिम साहब क्या करेंगे, बोल रहे हैं। स्ट्रेंज लिख रहे हैं आसान तौर पर रेशन और ग्रह लक्ष्मी के पैसे बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहे हैं, करना चाहिए प्लीज इस बारे में बताएं। रेशन और ग्रह लक्ष्मी के पैसे जो है आप वेट करें, वेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि सब लोगों को पैसे आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, हमेशा हाइड्रेट रहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। फैजान अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सैयद महफाती ने सलाम लिखा है, सैयद खलील ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम, आपको सुनने की आदत हो जैसा लिख रहा है, तारवे लिख रहे हैं। HSTSR लिख रहे हैं मिन्नत मुस्लिम आइलैंड फिलीपींस का, और इंशाल्लाह चार स्टेट्स में कांग्रेस जीतेगी और सारे हिंदुस्तान में भी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, 3 में हार चुकी है, 1 में जीती है सिर्फ। वसीम फरीश लिख रहे हैं गुलबर्गा में पानी की बहुत किल्लत है, क्यों नहीं खुल, नल नहीं खुल रहा है। एजाज मेहदी ने लाइक करो लिखा सका सबको। ध्रुव बंसाली लिख रहे हैं भाई हमारे सिटी को जो पाइप्स के लिए लाइट रोड तोड़ गए हैं, तो रोड बनाते वो तो पुराना काम है साहब, रोड तोड़ते हैं बनाते नहीं साहब, ये तो सब खास बात है। वॉट इट ऑफ टाइम नो मैटर बट एटलीस्ट वी आर एबल टू सी एन अपोजिशन, द इंपॉर्टेंट लेसन कम्स विद द इलेक्शन रिजल्ट इज फर्स्ट द रीजनल पार्टी शुड थिंक अबाउट द फ्यूचर, दे शुड रिवाइज द पॉलिसी, द ऑलवेज थिंक वोट ऑफ माइनॉरिटीज एंड जॉइन हैंड विद कम्युनल माइंडसेट पार्टीज। और ये बताया है कांग्रेस के बारे में, डू नॉट वेल बट स्टिल एग्जिस्ट, एवरीवन नोस व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ विनिंग द पार्टी, बिल्कुल सही कहा आपने। सैयद नूर लिख रहे हैं तारवा अस्सलाम वालेकुम, नहीं भांजी का फोटो बर्थडे विश फोटो आपको भेजा हूँ, कल की वीडियो में आती हैं, क्या पूछ रहे हैं। मुज़क्किर अली की आज हम बुलेटिन में बर्थडे की मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा, आपको बहुत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दिखे और माँ बाप क्या फर्मबरदार बने। अस्सलाम वालेकुम, कैनवर्ड लिख रहे हैं कि जो FA रखा गया था KVN सिंह कॉलेज में वो बस फॉर्मेलिटी के लिए निकाला है क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनका जॉब का ऑफर ना कुछ रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, बिल्कुल इस बारे में बात करें, कारोबार में जैसे कि सैलरी 13,000 और फूड एंड अकोमोडेशन कैंडिडेट को ही वेयर करना पड़ेगा, लोकेशन होगी हैदराबाद बैंगलोर, इज नॉट ए गुड अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय द यूथ लिख रहे हैं। AMP एसोसिएट्स के जरिए जो है KVN कॉलेज में ये रखा गया था, बिल्कुल मैं MP वालों से बात करता हूँ कि एग्जैक्टली मामला क्या है, किस तरह से ये किया जा रहा है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।